बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉड गिफ्टेड डिज़ाइनर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक अच्छी और यूनिक सी वीडियो लेकर आई हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। और हर एक का मसला ये होता ही है, जो मैं आज आपको सॉल्व करके बताऊँगी। अक्सर हमारे शर्ट्स में बहुत से कट लग जाते हैं और पता नहीं चलता, तो उसको कैसे हम रफ़ू कर लेंगे बग़ैर स्टिच किए हुए, सिर्फ आयरन की और इसकी मदद से। ये क्या है मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगी, और इसका यूज़ कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने एक रफ़ पीस ले लिया है। अगर आपका कोई भी शर्ट किसी भी हिस्से से कट आ गया है, कट लग गया है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। तो सबसे पहले देखें, फ़र्ज़ करें हमारा यहाँ पर कट लग गया, मैं आपको कट लगा कर दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर ये मैंने कट लगा लिया है। उसके बाद ये देखें, हमारे पास ये टेप है, आप देख सकेंगे कितनी बारीक सी टेप है, आपको क्लियर नज़र आ रही होगी। ये देखें, इसको रिविल सिविल टेप बोलते हैं। ये अक्सर हमारे पैंट कोट जो स्टिच होते हैं उसमें यूज़ होती है। बहुत ही ये थिन होती है कि हम इसको आर पार देखें देख सकते हैं इतनी क्लियरली। तो जितना हमारा कट होगा हम उसके हिसाब से ये कट कर लेंगे, और उसके बाद हम सेम कपड़ा जो हमारा कट लगा हुआ है उसके मेजरमेंट से हम ये कट कर लेंगे। अगर आपकी कोई शर्ट स्टिच हुई भी है, तो अगर आपके पास कपड़ा नहीं है, तो अमूमन जो हमारा फिटिंग में से कपड़ा एक्स्ट्रा हम लोग रखते हैं, वहाँ से ही इतना सा आप पीस निकाल सकते हैं। ये देखें, उसी की मेजरमेंट का मैंने इतना सा ये पीस कट कर लिया। उसके बाद जहाँ पर हमारा ये कट लगा हुआ था वहाँ पर रख देंगे, और उसके ऊपर ही टेप के ऊपर जो हमने कट की थी वो कपड़ा उसके ऊपर रख देंगे। उसके बाद आयरन हम गर्म कर लेंगे। यहाँ पर आयरन हमारी अच्छी से गर्म होनी चाहिए, और इसके ऊपर हम सिलाई की तरह अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए हमारा स्टिक हो गया है। इसके और अच्छा सा स्टिक करने के लिए हम हल्का सा पानी का स्प्रे करेंगे और इसको प्रेस कर देंगे, और एक मिनट में देखें हमारा ये रफ़ू हो जाता है, और बिल्कुल भी नहीं आपको नज़र आएगा कि हमारा कट कहाँ लगा हुआ है और बग़ैर सिलाई किए। अक्सर फैंसी सूट पे भी हमारे फट जाते हैं, या नेट, अक्सर नेट के भी फट जाते हैं और अर्गेंजा के फट जाते हैं, तो उन पर सिलाई करने से बेहतर हम इस तरह इसको रफ़ू कर लेंगे। और ये वॉश होने से भी हमारा ये देखें नहीं निकलती, आप देख सकेंगे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा कि हमने नहीं कहाँ पर निशान जो लगाया था। मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ कि मेरा ये देखें, यहाँ पर मेरा कट था जो मैंने निशान लगाया, आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। और ये देखें हमारा पीछे जो हमने कपड़ा भी लगाया था वो भी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, और ये वॉश होने से भी नहीं उतरेगा और कहीं पर भी नहीं जाएगा, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए मुझको इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखें। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।